हरियाणा के नूह में दो ग्रुप के बीच हुई हिंसा की खबरें सामने आई है। यह हिंसा विश्व हिंदू परिषद की ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान हुई थी। इस घटना से जोड़कर कई यूजर्स सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। बहरहाल ऑल्ट न्यूज ने पाया कि ये तस्वीरें पुरानी और असंबंधित है। राइट विंग से जुड़े कई लोगों ने ये तस्वीरें शेयर करते हुए हिंदुओं को भड़काने का काम किया। उनके पोस्ट में मुसलमानों के खिलाफ नफरत साफ झलकती है। सबसे पहले बात करते हैं इस तस्वीर की। हमारी टीम ने छानबीन करते हुए पाया कि ये तस्वीर करीब 6 साल पुरानी है। अगस्त 2017 की द टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट में ये तस्वीर पब्लिश की गई थी और बताया गया था कि ये फोटो पंचकुला में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को सजा सुनाए जाने के बाद हुई हिंसा की है। और भी कई रिपोर्ट्स में ये तस्वीर डेरा प्रमुख को दोषी ठहराए जाने के बाद हुई हिंसा की बताई गई है। ये दूसरी तस्वीर जिसे हरियाणा में हाल में हुई हिंसा की बताकर शेयर की गई, असल में साल 2013 की है। 20 फरवरी 2013 की हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट में ये तस्वीर पब्लिश की गई है। खबर के अनुसार ट्रेड यूनियनों ने 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल बुलाई थी, जिसके पहले दिन ही हिंसा हुई थी। और भी कई रिपोर्ट्स में जिसमें हड़ताल के दौरान हिंसा के मामलों के बारे में बताया गया था, उसमें ये तस्वीर शेयर की गई थी। अब नजर करते हैं इस तस्वीर पर। गूगल पर रिवर्स इमेज सर्च करने से हमें ये तस्वीर 2019 की कुछ रिपोर्ट्स में मिली। कानपुर में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ निकाली गई एक रैली में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी और ये तस्वीर उसी वक्त खींची गई थी। रिपोर्ट्स में इस तस्वीर का श्रेय PTI को दिया गया है। अब बात करते हैं इस चौथी तस्वीर की। ऑल्ट न्यूज को मालूम हुआ कि ये तस्वीर भी PTI फोटो ही है, जिसे 2019 में कानपुर में CAA के विरोध प्रदर्शन के दौरान क्लिक किया गया था। और भी कई रिपोर्ट्स में ये तस्वीर उसी घटना की बताते हुए पब्लिश की गई है। कुल मिलाकर हरियाणा में हाल में हुई हिंसा के मामले से जोड़कर सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की गई। ये तो इंटरनेट पर एक ट्रेंड सा बन गया है कि देश या दुनिया में हुई घटना से जोड़कर पुराने और असंबंधित विजुअल शेयर करना। बहरहाल ऑल्ट न्यूज़ आपको ऐसे ही दावों की सच्चाई बताता रहेगा।